Hi kids, welcome to your SST class and I am back with a new chapter of your book that is Jelly Bean Journeys for Class 3 by Brainroot Publications. Children, today we shall study how do we travel from one place to another. हम अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करते हैं ना, कभी हम बस से ट्रैवल करते हैं, कभी हम साइकिल से ट्रैवल करते हैं, दूर जाना पड़े तो हम ट्रेन या एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, राइट? तो आज हम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, हाउ डू वी ट्रैवल, हम कैसे ट्रैवल करते हैं. लेट्स बिगिन. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. So before that, let's retry. This is an activity which you need to do. There are different three basic major modes of transport, air, land and water, and certain list of vehicles are given. आपको इन्हें यहाँ पे लिखना है, ठीक है? आप इन्हें लिखेंगे. जैसे rocket will come to air transport, boat comes to water transport, submarine again water में आएगा, hot air balloon air transport में आएगा, bus रोड ट्रांसपोर्ट यानी लैंड ट्रांसपोर्ट में जाएगा, ट्रक भी लैंड पर चलता है तो लैंड ट्रांसपोर्ट, शिप इन वाटर ट्रांसपोर्ट, कार कहाँ चलती है, कार लैंड ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रेन लैंड ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन एयर ट्रांसपोर्ट में, हेलीकॉप्टर एयर ट्रांसपोर्ट में, एंड यॉट यानी यॉट वो है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट में, ओके. सो ये एक्टिविटी आपको करनी है, आप ये लिस्ट फिल करेंगे, ठीक है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. इन ट्रैवलिंग वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स लाइक बसेस, कार, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, स्कूटर्स, साइकिल्स एंड बोट. दीज ऑल व्हीकल्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी एनी ट्रांसपोर्ट दैट इज़ यूज फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. किसी भी ऐसे ट्रांसपोर्ट को जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारा साधन है, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ओके. डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्ट है, इनको हम थ्री मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वी कैन नॉट यूज़ द सेम व्हीकल टू ट्रैवल ऑल द प्लेसेस. द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड. अगर आपको पास जाना है तो आप स्कूटी या साइकिल लेके चले जाते हैं, अगर आपको दूर जाना है तो आपको कार यूज़ करना होता है, अगर आपको बहुत दूर जाना है तो आप शिप, ट्रेन या एरोप्लेन से जाएंगे, राइट? तो ये सब डिपेंड करता है हमारा डिस्टेंस के ऊपर. प्लस एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास कितना समय है. अगर हमको जल्दी जाना है तो हम एरोप्लेन से जाएंगे क्योंकि जल्दी पहुँचा देगा. अगर हमारे पास बहुत टाइम है तो हम ट्रेन या कार से भी जाना प्रेफर कर सकते हैं. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी दैट कैन बी स्पेंट टू ट्रैवल. कितना टाइम है, कितना पैसा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये सब ट्रांसपोर्ट चूज़ करने से पहले हमें ध्यान में रखना होता है, ओके. द थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मीन्स ऑफ कैटेगरीज. ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट यानी जो लैंड पर चलती है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो वाटर पर चलती है, और एयर जो हवा में चलती है. ऑलराइट, आइए इनके बारे में जानते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट, दोज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच मूव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट. यानी जो ज़मीन पर चलती हैं, लैंड पर चलती हैं, उन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, ट्रक, कार, ऑल कैन ट्रैवल ओनली ऑन लैंड. तो ये सभी क्या हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट है. दे आर दस द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. सी द पिक्चर, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस, ओके. India has a large network of railways connecting all parts of country. Trains run on railway lines and carry hundreds of passengers and tons of goods. Goods matlab saman, theek hai. A train, see this is a passenger train and this is a goods train. Isko malgaadi bolte hai, isme saman jata hai aur isme log travel karte hai. A train that carries passenger is called a passenger train, hai na, jisme passenger yani yatri travel karte hai usko hum पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं, और जिसमें गुड यानी सामान जाता है उसको हम गुड्स ट्रेन बोलते हैं. अ ट्रेन दैट कैरीज गुड्स इज कॉल्ड अ गुड्स और अ फ्रेट ट्रेन. ट्रक्स आर ऑल्सो यूज टू कैरी गुड्स. मैनी बिग सिटीज हैव लोकल ट्रेन्स. कोलकाता हैज़ अ ट्रेन सर्विस कॉल्ड मेट्रो जो अंडरग्राउंड से जाता है. मेट्रो रेल सर्विस
as well Delhi, Mumbai, Bangalore, Kolkata, Lucknow, Jaipur also now have metro rail service. सबसे पहले कोलकाता में हुआ था, उसके बाद अब बाकी सब जगह भी अवेलेबल है. अब हम आते हैं नेक्स्ट, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ एन इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर रोड्स और मेटल ट्रैक्स. ये थोड़ा इकोनॉमिक होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो रोड्स की ज़रूरत है ना मेटल ट्रैक्स की ज़रूरत है. वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ जनरली यूज टू ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स, जो बहुत भारी सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, तो वो हम ships के थ्रू करते हैं. द ships यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, यानी सामान शिफ्ट करने के लिए जिन ships को यूज़ करते हैं उन्हें हम कार्गो ship बोलते हैं. सी, ये एक बड़ी सी ship है, इसके अंदर देख रहे हैं कितने सारे boxes arranged है proper तरीके से, इसे हम कार्गो ship बोलते हैं. ओके, बिसाइड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ships आर also used एज मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग. जिन ships में लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें हम cruise बोलते हैं. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ cruise ship. ये जो cruise ships होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा आलीशान होती हैं. इसके अंदर रूम, स्विमिंग पूल, बेडरूम्स, डांस रूम्स, थिएटर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मतलब अपने आप में एक चलता फिरता शहर है ये. इन द पास्ट बोट्स वर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज़ वर लोकेटेड नियर द रिवर्स. हमने पढ़ा है चैप्टर्स में कि अर्ली मैन जो है वो सबसे पहले रिवर बैंक्स के आसपास ही सेटल हुए थे, नदी किनारे में. तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें बोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था. वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज ट्रेड विद अदर कंट्रीज़. इंडिया जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ व्यापार करती है उसमें भी वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है. नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट. द क्विकेस्ट वे टू ट्रैवल इज़ बाय एयर और एरोप्लेन, है ना. सबसे ज़्यादा अगर जल्दी पहुँचना है तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. इट गोज़ वेरी फास्ट एंड कैरीज हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर एट अ सिंगल टाइम. हाउएवर ट्रैवल बाय एयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव. यह हमें जल्दी तो पहुँचाता है लेकिन एयर की टिकट्स यानी फ़्लाइट की टिकट्स बहुत महंगी होती हैं. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज एंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैव कनेक्टेड बाय एयर. एरोप्लेन्स कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स टू देयर डेस्टिनेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यानी कुछ ही घंटों में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं एरोप्लेन्स के थ्रू. सम प्लेसेस ऑल्सो कैरी कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कार्गो यानी कि गुड्स यानी सामान. कुछ प्लेन्स जो हैं सामान भी इधर से उधर शिफ्ट करती हैं ज़रूरत के अनुसार. प्लेन्स ऑल्सो हेल्प इन कुरियर सर्विसेज. अनलाइक एरोप्लेन्स हेलीकॉप्टर्स कैन कैरी लेस नंबर ऑफ पीपल. हेलीकॉप्टर्स आर ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग रेस्क्यू मिशन. एरोप्लेन्स में तो बहुत लोग जा सकते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर्स में कम लोग ट्रैवल कर सकते हैं. लेकिन हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू मिशन में बहुत यूज़ होते हैं. कहीं पे कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो फिर रिलीफ पहुंचाने के लिए, जल्द से जल्द हेल्प पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है. इन दिस चैप्टर वी केम अक्रॉस टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स. पैसेंजर, पैसेंजर मीन्स अ पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो कार, बस या ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लेकिन खुद ड्राइव नहीं कर रहा हो, ड्राइव कोई और कर रहा है, बैठ के सिर्फ दूसरा इंसान यात्रा कर रहा है, तो वो इंसान पैसेंजर है. गुड्स थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड, यानी ऐसा सामान जिसको खरीदा या बेचा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है. व्हाट डिड वी स्टडी इन दिस चैप्टर. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ट्रेन्स, बसेस, ट्रक्स एंड मोटरसाइकिल्स आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. बोट्स एंड शिप्स आर वाटर ट्रांसपोर्ट. Aeroplanes and helicopters fly in the air, that's why they are known as air transport. Air transport is fastest and most expensive form of transport, right? Sabse tez aur sabse mehenga. Now children, let's do the exercises, get them started. First exercise, that is first question, that is an MCQ, and dash is a means of air transport and aeroplane. एरोप्लेन हवा में चलता है तो एरोप्लेन इज़ अ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. सेकेंड, विच इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव भी एरोप्लेन ही है. सबसे ज़्यादा तेज जाता है और सबसे महंगा भी है, कॉस्टली भी है. थर्ड, अ डैश इज़ नॉट यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल, गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, एरोप्लेन, बस. गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन में सिर्फ सामान
एक जगह से दूसरी जगह भिजवाया जाता है, ठीक है। फोर्थ, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्ज नेटवर्क्स ऑफ रोडवेज, रेलवेज, सीवेज, नन ऑफ दीज। सो वन ऑफ द लार्ज नेटवर्क्स ऑफ रोडवेज, ठीक है, बहुत सारी सड़कें हैं तो लार्ज नेटवर्क ऑफ रोडवेज। फिफ्थ, अ डैश डज नॉट रन ऑन लैंड, हेलीकॉप्टर, कार, ट्रक, बस। सो हेलीकॉप्टर जो है वो हवा में उड़ता है, हेलीकॉप्टर लैंड पर नहीं चलता, ठीक है। लेट्स नाउ मूव फर्दर, वी हैव टू डू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट सेंटेंस इज, देयर आर थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दे आर एयर, वाटर एंड लैंड, या फिर आप लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। सेकेंड, वाटर ट्रांसपोर्ट इज एन डैश मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड चीप, और इकोनॉमिकल भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिकल, ठीक है, ओके। थर्ड, डैश इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन। फोर्थ, डैश कैरी रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट टू इंडस्ट्रियल एरियाज और फैक्ट्रीज बाय रोड, ट्रक्स, ट्रक्स के थ्रू लैंड पे ट्रक्स जो है सामान इधर उधर करते हैं। फिफ्थ, डैश एंड डैश एंड डैश आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, सो कार्गो शिप्स, राइट, कार्गो शिप्स, बोट्स एंड क्रूज, राइट, ये तीनों ही जो हैं वाटर ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है। नाउ एक्सरसाइज नंबर सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। व्हीकल्स दैट ट्रैवल इन एयर आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, येस दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही। सेकेंड, बस एंड कार आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, नो, यहाँ पे वाटर गलत है, बस और कार तो लैंड पे चलती है, तो दिस इज लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, थर्ड, ट्रेन्स कैन कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, येस दे ऑल्सो कैन कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सो ट्रू, एक साथ बहुत सारे यात्री या पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन के थ्रू। फोर्थ, वाटर ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नो दिस इज फॉल्स, मोस्ट एक्सपेंसिव तो एयर ट्रांसपोर्ट है। फिफ्थ, एरोप्लेन्स ऑल्सो हेल्प इन कुरियर सर्विसेज, येस एरोप्लेन्स ऑल्सो हेल्प इन कुरियर सर्विसेज, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, हमारी मेल्स, चिट्ठियाँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में भी एरोप्लेन्स हेल्प करते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव नोटेड ऑल दीज क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज डी, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, हमें एग्जांपल्स देने हैं लैंड ट्रांसपोर्ट का। लैंड ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे हैं, आप बस, ट्रक, ट्रेन, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, यू कैन गिव एनी। सेकेंड, मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप एंड बोट, मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। राइट, नाउ चिल्ड्रन इट्स टाइम टू मूव टू एक्सरसाइज नंबर ई। एक्सरसाइज नंबर ई है मैचिंग, हमें वर्ड्स को उनके पार्ट्स के साथ मैच करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। रोडवेज, रोडवेज आर अ पार्ट ऑफ द रोड ऑन विच व्हीकल्स मूव। रेलवेज, रेलवेज बेसिकली आर अ नेटवर्क ऑफ ट्रैक्स on which trains run। cargo ships, cargo ships में से क्या जाता है, cargo ships जो है heavy सामान एक जगह से एक port से दूसरी जगह लेके जाते हैं, right? goods trains, goods trains जो train goods carry करता है वो goods train। air transport fastest means of transport है, air transport जो है वो fastest means of transport है, okay? सो आई होप आपने मैचिंग भी कर लिया होगा।
Now we have F question, that is answer the following questions. Children, this is to be done by your own. आपको खुद करना है. I will just help you with an hints. मैं जल्दी से आपको questions के कुछ hint दे देती हूँ ताकि आपको question समझने में easy हो जाए. First question, what are the means of transport? The different means of transport are airways, waterways and land transport. Yeah, air transport, water transport and land transport. Second, which is the fastest and most expensive means of transport? Airways or aeroplanes are the fastest and most expensive means of transport. Third, what is a cruise ship? A cruise ship is a ship which carries more than hundreds of passengers in it and it is used for traveling long distances. Fourth, what is the difference between a passenger train and goods train? A passenger train carries people, whereas a goods train only carries things and objects which are to be transported from one place to another. Fifth, why is water transport cheap? Water transport is cheap because there is no cost of constructing road, na to sadak banane ka kharcha hai, and no cost of constructing metal tracks, na hi metal tracks banane ka kharcha hai. Okay. Sixth, what is land transport? Any transport that runs on land is called land transport. Okay. Jo bhi transport, jo bhi vehicles land ke upar chalte hain, wo sabhi kya hai? Land transport mein aate hain. ऑल राइट चिल्ड्रन, सो आई होप आप इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे. मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं, इन हिंट्स को यूज़ कीजिए और उसके अलावा बुक की हेल्प लीजिए एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर ओन. आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू डू दिस. सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडे सेशन. आई होप चिल्ड्रन यू हैव एन्जॉयड द सेशन एंड यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ. So I will meet you again very soon with a new chapter where again we will learn something more new and innovative. So stay tuned for the upcoming video. Till then, bye bye and take care.